बरसों बरस मनाया रब नू तब ये किस्मत मानी, अपने आंगन में भी आई परियों की एक रानी। प्यारी सी मुस्कान है उसकी और है भोली भाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली। रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से घर में, कुछ हो जाए इसे तो सारे फिकर में। आंखों में उसकी है चमक हर पहर शरारत वाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली। जैसे फूलों से खुशबू जुदा नहीं हो सकती, वैसे ही मैं भी सूर्या से जुदा नहीं हो सकती। मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दें तो वो सांस नहीं ले पाती। गुड्डी भी मेरे सांसों से बंधी हुई है, अगर हम दोनों एक नहीं हुए हम जी नहीं पाएंगे। अब फैसला करो। लल्ला को गुड्डी से अच्छी जीवन साथी नहीं मिल सकती, और हमका गुड्डी से अच्छी बहू नहीं मिल सकती। अब देखिए आगे। मैंने तो सूर्या को पटियाला पढ़ने के लिए इसीलिए भेजा था कि उसे वहां पर पेनी मिल जाए और उससे दोस्ती बढ़े, लेकिन न जाने ये गुड्डी कहां से मिल गई उसे। पता नहीं तुम्हें गुड्डी से दुश्मनी क्या है। अरे सुंदर है, सुशील है, अच्छी लड़की है, और सूर्या उससे प्यार करता है, और अगर उसकी शादी गुड्डी के साथ हो जाती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। बुरा ही बुरा है ना, वो लड़की हमारे सूर्या की काबिल है ना, उसके खानदान हमारे बराबरी का है। सूर्या की खुशी के बारे में सोचना भी तो हमारा ही फर्ज है ना, और सूर्या की खुशी गुड्डी में ही है। आप भी ये मत भूलिए कि सूर्या हमारा इकलौता बेटा है, उसकी शादी धूमधाम से होनी चाहिए। उनके परिवार वालों की क्या हैसियत है, उन गरीबों से रिश्ता जोड़ के हमारी तो नाक कट जाएगी, लोग नुक्स निकालेंगे, ऊपर से जगसाई अलग। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ हाँ बस 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 बस। अरे ममता, कुछ मेहमानों की फितरत ही होती है नुक्स निकालने की, उनको तुम सोने से भी लाद दो ना तो भी वो नुक्स निकालेंगे। अरे तुम्हें सोने जैसी बहू मिल रही है, उसको गले से लगा दो यार। शादी का बंधन सिर्फ एक लड़की से नहीं, उसके पूरे परिवार वालों के साथ होता है, इसीलिए उसका परिवार का अच्छा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, परिवार का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। उनके पास पैसे कितने हैं, उनका बैंक बैलेंस क्या है, वो कितने रईस हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिनके पास बहुत पैसे हैं, जिनका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, जो बहुत रईस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा तो ये बताइए, अगर हमारे पास पैसा नहीं होता, सूर्या उस गुड्डी को दो वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाता, फिर भी उसके घरवाले हमारे बेटे के साथ उसकी शादी कर देते, नहीं ना? मैं सीधी सी बात है, मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं, मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। ममता, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है। अरे जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, और अगर उसने सूर्या और गुड्डी की जोड़ी बनाई है तो वो बन कर रहे। अच्छा तो माँ किस दिन काम आएगी, देख लेना, वो रिश्ता जोड़ कर नहीं तोड़ कर ही आएंगे। मतलब क्या कह रही हो, उनको गुड्डी और सूर्या का प्यार नजर नहीं आएगा क्या? जब उनके आपस में ही कोई प्यार नहीं तो किसी और का प्यार क्या देख पाएंगे। जो अपने प्यार की भाषा नहीं समझते वो दूसरों के प्यार की भाषा को क्या समझेंगे। ओहो, मैं अब समझा, तो उन दोनों को वहां गुड्डी के पास भेजने के पीछे तुम्हारा ये मकसद था। बिल्कुल। वाह, देख लेना, माँ बाऊजी गुड्डी को रिजेक्ट करके ही आएंगे। आ गए।
देखो भाई बात तो पक्की होगी है वीर जी, शगन आने की देर है, शादी की तारीख भी पक्की हो जाएगी। ठीक। हाँ जी, तारीख पक्की करने में देर नहीं लगनी है, पर शादी की तैयारियां तो शुरू करो। हाँ। ओ ताई जी, तैयारी करने की जरूरत क्या, एक वेडिंग प्लानर हायर कर लेते हैं, सारी टेंशन उसके मत है, दिल्ली में आजकल सारी शादियां ऐसे ही होती हैं। ओए चुप कर, हमें कोई वेडिंग प्लानर की जरूरत नहीं है, हम सारा काम खुद कर लेंगे। और काम है ही क्या, भी गुड्डी के जेवरात हैं, थोड़े से उसके सूट शूट वगैरह बस। नहीं जी, गुड्डी ने अभी सूट नहीं पहनने हैं, उसे तो साड़ियां पहननी पड़नी है। हाँ 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 भाई, ये तो आपका डिपार्टमेंट है। और खाना, वो खाने का भी हो जाएगा? हो नहीं जाएगा वीर जी, खाना जो है हम पटियाले के बेस्ट कैटर से करवाएंगे। भाई गुड्डी की शादी में जो बराती आने हैं, अगर वो अपनी उंगलियां चाटते हुए ना गए तो खाने का क्या मजा है। ठीक है, पर इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा ना वीर जी। दलजीत, तू सुखे जैसी बातें कब से करने लगी है, है? आप भी ना वीर जी। अच्छा वो ठीक है, पर अब उनके साथ जो मेहमान आएंगे वो कहाँ रहेंगे? कोई धर्मशाला देख लेंगे। धर्मशाला? ओ लो भाई लो, ओ हमारे घर में एक और सुखा पैदा हो गया। ओए खोते, सूर्य के घर वाले कितने अमीर है पता है ना तेरे को, तो फिर उनके साथ जो उनके रिश्तेदार आएंगे वो भी तो ऊन जैसे ही होंगे ना, उनके ठहरने का इंतजाम किसी अच्छे होटल में करना पड़ेगा, छोटी मोटी जगह से काम नहीं चलना है। पाशु जी की बात में तो दम है, गुड्डी के ससुराल के मेहमान हमारे भी तो मेहमान हुए। ओ यार, तो कोई अच्छा सा होटल ढूंढ ना। तोड़ दूंगा। ओ जोर से मारता। बढ़िया सा होटल ढूंढ दूंगा मैं। ठीक। चलो भाई, वाहेगुरु की कृपा से अभी तक तो सब कुछ ठीक ही हो रहा है, हमको मनपसंद दामाद मिल गया और हमारी गुड्डी को अपनी पसंद का जीवन साथी, है ना जी? हाँ परजाई जी, सच रब दा लाख लाख शुक्र है। पता नहीं अब तक सूर्या और उसके नाना नानी घर पहुंचे होंगे भी या नहीं। अरे चाची, आप घर पहुंचने की बात कर रहे हैं, अब तक तो नाना और नानी ने शादी का मुहूर्त भी निकाल दिया होगा। अरे मलकिनी, वहाँ कहाँ? अरे यहाँ बैठो, हमारे पास बैठो भाई। बैठो लल्ला। आप दोनों में इतना प्यार उमड़ रहा है, जाहिर है रिश्ता पक्का ही करके आए होंगे। हाँ हाँ बिटिया रानी, रिश्ता बिल्कुल पक्का करके आए। अरे गुड्डी कितनी संस्कारी लड़की है, और वो परिवार वाले बहुत सज्जन लोग। अरे भाई नाश्ते का टाइम हुआ, ए जी नाना जी नानी जी, भाई आलू दे पराठे, मूली दे पराठे, गोभी दे पराठे रेडी है, भाई आ जाओ खा लो। हाथ बांधे खड़े रहते थे। मैं तो ये कहता हूँ बिटिया रानी, अब तो फटाफट लल्ला के ब्याह की सहनाई बजवा दो, शुभस्य शीघ्रम कोई सुंदर सा मुहूर्त निकलवाओ। हाँ हाँ, अब तो मुहूर्त निकलवाना ही पड़ेगा बेटे, पूजा रूम से जाके कैलेंडर लेके आओ, जा बेटे। मंगलम भगवान, यू आर यू आर मंगलम गरुड़ ध्वज। माँ आपको तो
तो मालूम है मैं इसकी शादी पेनी के साथ करवाना चाहती हूँ। मैंने तो गुड्डी को रिजेक्ट करने के लिए आप दोनों को यहाँ से भेजा, और आप हैं कि उसे उसके साथ रिश्ता पक्का करके आ गए। कोई तो ऐब होगा उस पागल में। अरे वो लड़की पागल नहीं है। हाँ हाँ, तो अगर तो मैं हूँ जो आप दोनों को यहाँ से मैंने उस लड़के को रिजेक्ट करने के लिए भेजा, और आप है कि उसे पसंद करके आ गए। अरे बिटिया, जब वो पागल नहीं है तो कहाँ हम उसे जबरदस्ती पागल कह देते। ना पसंद करने की एक भी बात उसमें नहीं है, कोई ऐब नहीं है उसमें, तो हम किस आधार पर उसको रिजेक्ट करते भला, तुम्हें बताओ। अरे बिटिया रानी, वो लड़की इतनी मासूम है। हाँ। इतनी मासूम है। हाँ हाँ, उसकी मासूमियत को देखकर आप दोनों ये भी भूल गए कि आपको करना क्या है। हम कुछ नहीं भूले, लल्ला की परवरिश हमने भी की है, उसका सुख दुख किस में है वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, और लल्ला का सुख गुड्डी में। अगर गुड्डी लल्ला को मिल जाती है तो लल्ला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। देखो भाई बिटिया रानी, लल्ला की खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कोई खुशी नहीं। एक बात है, अरे बिटिया, लल्ला के साथ गुड्डी की जोड़ी बहुत ही बढ़िया रहेगी। भाई जब उनकी सोच मिलती है, गुण मिलते हैं, उनकी हर चीज फेवर में है, और वो एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, तो हम भला उन्हें एक दूसरे से अलग कैसे कर सकते हैं। सच कहते हैं बिटिया, हमने बहुत ही कोशिश की कि रिश्ता ना हो, मगर गुड्डी की अच्छाई और सच्चाई ने आप लोगों को इस रिश्ते के लिए हाँ करने के लिए मजबूर कर दिया, यही ना? ना 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 ना, मजबूरी में नहीं, हमने तो भाई गुड्डी को अपने मन से स्वीकार किया है। हाँ बिटिया रानी, अपनी जिद छोड़कर गुड्डी को गले से लगा लो। अरे गुड्डी इतनी सुशील, सीधी और सर्वगुण संपन्न है, ऐसी बहू तुमको नहीं मिलेगी। ममता, जिसने सबका दिल जीत लिया है, सबको अपना बना लिया है, अरे उसमें कुछ तो बात होगी। दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो सच मुझे देखना ही पड़ेगा कि उस लड़की में कोई जादू है, या जादू टोने से सबको अपना बना लेती है। जादू तो है, लेकिन वो प्यार का जादू है। हे भगवान, पहले तो सिर्फ सूर्या गुड्डी की भाषा बोलता था, लेकिन मैं देख रही हूँ आप सबके सब आजकल वही भाषा बोलने लग गए। ममता, मुझे यकीन है कि तुम उससे मिलोगी तो तुम भी उसी के गीत गाओगी। दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप सब लोगों बहुत पसंद है ये लड़की, तो हमें देखने तो जाना ही पड़ेगा। जरूर देखना माँ, गुड्डी आपको बहुत पसंद आएगी। गुड्डी बहुत अच्छी लड़की। जरूर होगी बेटा, मेरे बेटे की पसंद जो है। अच्छा बिटिया, हम शगुन लेकर पटियाला कब जाएंगे? जब बेटा, बाप, नाना नानी सबको वो लड़की इतनी पसंद है तो देर किस बात की, जाएंगे, जल्दी ही जाएंगे। अब तो जो देखना है मुझे ही देखना है, और जो करना है वो भी मुझे ही करना है।
अरे लगाना मन नहीं। अरे लगा दिया? लगा दिया? मैं गिर जाऊंगा। अच्छा लगा दे। ओए ओ सुखे, ओ यार तू यहाँ बैठा है, ओ मिठाई नहीं लेने गया तू? यार तू मेरी तरफ क्या देख रहा है, तू जाके मिठाई ले आ, नहीं तो ऐसा ना हो कि वो सूर्य की नानी की तरह उसकी माँ से भी लड़ पड़े तू। ओए मुझे पहले से पता था तूने यही पूछना है, इसलिए मैंने पहले से मिठाई ला कर रख दी इस बार। अच्छा और क्या हाल है यार तेरा? मन्नी तेरा नाम तो कन्हैया होना चाहिए था, अभी पूछ क्यों? चलो पूछा क्यों? क्योंकि किशन जी अपने दोस्तों के कंधों पे चढ़ के दही हंडी फोड़ा करते थे और तू मिक्की के कंधे पे चढ़ के फूल बांध रहा है। यू फूल। मिक्की भी जरा मैं नीचे उतारिए। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे आगे से नहीं बेटा, इधर से उतरो। क्या नारियल की कन्हैया जी हमेशा गोपियों के पीछे लगा रहे और आप हमेशा चन्नी दीदी के पीछे लगे रहते हो। That means you are cool. गुड्डी तैयार हो गई है, उसकी सास उसे देखने आ रही है। वो ताई जी, वो तो किचन में, वो किचन में उनके लिए नाश्ता बना रही है। वो चाहती है वो अपने हाथ का बना के ले। इसलिए ये तो बड़ी अच्छी सोच है, आप उसे को जल्दी से तैयार हो जाए और आगे से मेरे साथ ऐसे धीमी गति के समाचारों की तरह बात मत किया करो। चलो तेज गति से चले। वही तू यहाँ बैठा है, मिठाई कौन लेके आएगा? वही मेरी तरफ देख के आ रहा है, जाके मिठाई के लेके आ, नहीं तो सूर्य की नानी के तरह उसकी माँ से ना लड़ बैठे। सुनिए जी, कैसी लग रही हूँ मैं? ओए होए हॉट है। हाँ जी। बताइए ना कैसी लग रही हूँ? ये खन्ना हाउस ही है ना? हाँ क्यों? और आप पाशु जी हैं ना? हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज सूर्य की मम्मी आने वाली है ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सज लूं। ओ तो आप सूर्य की माँ को इंप्रेस करना चाहती हैं? और क्यों ना करूं? अरे हमारी होने वाली समधन है वो। अरे समधन इंप्रेस हो या ना हो, लेकिन पाशो जी मैं इंप्रेस हो गया हूँ। इस साड़ी में तो आप गजब डाल रही हैं, गजब। परजाई जी, वीर जी क्या कह रहे थे? अरे कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही बोलते रहते। कुछ ना कुछ तो जरूर कहा होगा। बताइए ना, आज आपने पहली बार साड़ी पहनी है। तो क्या हुआ, तूने भी तो पहली बार साड़ी पहनी है। हाँ पर दलजीत जरा इधर आना। जा जा, आ गया बुलावा। हाँ जी जाओ जी जाओ जी। देख जल्दी मत आना, आराम से आना। क्या आप भी? पम्ता, ये गुड्डी का घर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए नानी जी। प्रणाम 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 प्रणाम। नमस्ते। आओ सूर्या, आओ आओ। पम्ता बैठिए, बैठो ममता। कैसे हैं नानी जी? हम तो बहुत अच्छे हैं। आप लोग साड़ी पे बहुत अच्छे लग रहे। शुक्रिया नानी जी। अब रिश्ता जुड़ने जो जा रहा है, सोचा आप लोगों के तौर तरीके भी सीख लें। माँ मैं आपका सबसे परिचय करवा देता हूँ, ये है गुड्डी की माँ। नमस्ते।
ये है गुड्डी की सबसे बड़ी ताई जी, ये गुड्डी के सबसे बड़े ताया जी, और ये गुड्डी के मंझले ताया जी। सत श्री अकाल जी। ये है मिक्की, गुड्डी के भाई। ये है हरिवीर, गुड्डी के सबसे बड़े भाई। और ये है मन्नी, गुड्डी के सबसे छोटे भाई। ये है चन्नी, हरी और चन्नी की बहुत जल्द शादी होने वाली है। अच्छा, हमको सब तो दिखाई दे रहे, हमारी गुड्डी रानी कहाँ है? अंदर है, बस आती ही होगी। हमारा घर थोड़ा छोटा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी हम घर देखने थोड़े ही आए हैं, हम तो बस गुड्डी से मिलने आए हैं। भाई बहुत तारीफ सुनी हमने। हम भी तो देखना चाहते हैं कि हमारी सूर्या की पसंद कैसी है। जी बिल्कुल। अरे ममता, एक बार गुड्डी को देखोगी ना तो फौरन पसंद कर लोगी, इतनी सुंदर। तो दलजीत जी, जा गुड्डी को ले आ। जी अभी लाती हूँ। आपको रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, तकलीफ किस बात की, 2 घंटे का फ्लाइट था बस। हाँ जी, ठीक कह रहे हो आप, जहाज में तो वैसे ही सफर कम हो जाता है। लो जी, गुड्डी आ गई। जी तीरा। माँ, ये हैं गुड्डी के पिताजी जी, और ये हैं गुड्डी की मंझली ताई जी। ममता, गुड्डी को साड़ी पहनना नहीं आता था, लेकिन हमको कुछ करने के लिए उसने साड़ी पहन के आपको बताई। देखो कितनी सुंदर लग रही। थैंक यू। बच्चे जरा बाहर जाके बातें बातें करें, हमें भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है। रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से घर में, कुछ हो जाए इसे तो सारे डूबे रहे फिकर में, आंखों में उसकी है चमक हर पहर शहर।